वन विभाग उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अशफाक उल्ला खान प्राणी उद्यान वन्य प्राणी सप्ताह समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रदेश के वन मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने पुष्प गुच्छ के साथ स्वागत किया। विशिष्ट अतिथि वन्य मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना का अपर मुख्य सचिव मोहन सिंह ने पुष्प गुच्छ देकर स्वागत अभिनंदन किया। वन प्राणी सप्ताह के अंतर्गत आयोजित हुए विभिन्न कार्यक्रमों में विजेता प्रतिभागियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्मृति चिन्ह व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम के दौरान वन्य जीवों के प्रति संवेदना व पर्यावरण को लेकर जागरूकता किया गया। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि वन्य जीवों के संरक्षण संवर्धन और पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर हम सभी को अपनी जिम्मेदारी तय करनी होगी। इस मौके पर वन राज्य मंत्री केपी मलिक, सदर सांसद रविकिशन शुक्ला, एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, नगर महापौर सीताराम जायसवाल, ग्रामीण विधायक विपिन सिंह, सहजनवा विधायक प्रदीप शुक्ला सहित बड़ी संख्या में वन विभाग के संबंधित अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। प्लान बनाया है उसका मैं भी एक मेंबर हूं और उसमें हमने खास ध्यान इस बार दिया है कि यदि हम डॉल्फिन को या सूस को या सुसुप को हम बचाना चाहते हैं गंगा में या उसके ट्रिब्यूटरीज में, तो हमें एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि हम उसका जो हैबिटेट, उसका जो घर है, उसको स्वच्छ करना पड़ेगा। उसको स्वच्छ करने के लिए भारत सरकार नमामि गंगे के अंतर्गत बहुत सारे कार्यक्रम कर रही है, पॉल्यूशन कम करने के लिए कार्यक्रम कर रही है, बहुत सारे एसटीपीज, सीईटीपीज वगैरह बनाए जा रहे हैं, नेटवर्किंग किए जा रहे हैं शहर के, बहुत सारे चीज़ किए जा रहे हैं जिससे कि गंगा में प्रदूषित जल ना आ सके। तो ताकि जो यहाँ पर रहने वाले जो जीव जंतु हैं वो अच्छे जल में रह सकें। दूसरी बात यह है कि हम इसमें किस तरह से कितने ज़्यादा भागीदारी, लोगों की जो भागीदारी है उसको किस तरह से बना सकें। तो इसके अंतर्गत जो है अर्थ गंगा का जो कार्यक्रम हमने शुरू करी है उसके अंतर्गत घाट पे हाट हुआ या जो जल सफारी हुआ या और भी बहुत सारे कार्यक्रम हम कर रहे हैं जिसके अंतर्गत जो हम लोगों को जो जो हमारे जो ग्रामवासी हैं जो नदी के किनारे रहते हैं उनको किस तरह से हम नदी के साथ में, गंगा जी के साथ में। स्वतंत्र प्रभार वन पर्यावरण जंतु उद्यान एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उत्तर प्रदेश, मैंने भी बच्चों से ये आग्रह किया है कि यहाँ पे अगर आपके घर में जगह नहीं हो, खाली धरती नहीं है, तो आप इस प्राणी उद्यान में आकर के पौधे लगा सकते हैं और यहाँ के वन्य जीवों को जो लोग आर्थिक रूप से सबल हैं वो गोद लेने का कार्य करें ताकि सरकार के ऊपर थोड़ा बोझ कम हो और आपको भी टैक्स में लाभ मिले। मैं इसी के साथ आग्रह करती हूँ एक पोस्टर रिलीज के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से कि गांगेय डॉल्फिन संबंधी पोस्टर को यहाँ पे रिलीज करें ताकि कार्यक्रमों में पुनः हम आगे बढ़ सकें। ये पोस्टर रिलीज हो रहा है गांगेय डॉल्फिन का, प्रकृति के अनुसार मानव पर्यावरण व वन्य जीव एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, आश्रित हैं। ये पोस्टर रिलीज गांगेय डॉल्फिन वन विभाग द्वारा, इस प्राणी उद्यान द्वारा, शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान जो कि पर्यावरण के प्रति सभी को जागरूक करने की दिशा में एक अहम योगदान है। सात दिनों का वन्य जीव ये सप्ताह भर से प्राणी उद्यान में कार्यक्रम चल रहे हैं। इससे पूर्व भी समय समय पर प्राणी उद्यान इस तरह के कार्यक्रमों को आयोजित करता रहता है। फेस पेंटिंग प्रतियोगिता के लिए प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है कुमारी दीपशिखा गुप्ता, बीए तृतीय वर्ष, एबीआरएल कॉलेज गोरखपुर। कृपया मंच पे आ जाएं दीपशिखा गुप्ता।
फेस पेंटिंग प्रतियोगिता में ये लायन बन के हम सभी के समक्ष आई हैं। रंगोली प्रतियोगिता जो जूनियर वर्ग कक्षा 8 तक हुई थी, इसमें 3 छात्राएं हैं, कुमारी कविता, कुमारी जानवी और कुमारी रश्मि, ये छात्राएं। बस जैसे ही दीपशिखा नीचे जाते हैं, आप तीनों एक साथ मंच पे अपना स्थान ग्रहण करिए। कुमारी कविता, कुमारी जानवी, कुमारी रश्मि, रंगोली प्रतियोगिता जूनियर वर्ग क्लास 8 तक की हुई थी, न्यू एम्बियंस विद्यालय गोरखपुर को ये प्राइज मिल रहा है, ये इनके विद्यालय को प्राइज मिल रहा है, न्यू एम्बियंस विद्यालय गोरखपुर। पुरस्कार हमें और भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। मैं आमंत्रित करती हूँ पेंटिंग प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त कर चुके एस आर्ट्स के सचिन जी को, सचिन मंच पे आ जाएं, और माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे गोरक्ष पीठाधीश्वर से अपना प्रमाण पत्र प्राप्त करें। और इसी कड़ी में फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्राप्त कर चुकी आद्या दिल्ली पब्लिक स्कूल तारामंडल की ये छोटी सी छात्रा हमारे बीच आ रही हैं। आद्या फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया, उनकी मैम भी उनके साथ हैं। ये जो प्रतियोगिताएं हमारे बीच इस अवसर पे हुई थी, उन सभी के प्रतिभागी आपके बीच मंच पर। ये बहुत से और प्रतिभागी हैं, लेकिन उन्हें बाद में उनके पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। ये पुरस्कार हमारे टाइगर रिजर्व्स में, सैंक्चुरी में और जू में, सभी जगह ये आयोजन किया जा रहा है महोदय। और इसके साथ ही साथ हम लोगों ने वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए भी कुछ कारगर उपाय किए हैं। हमारी कोशिश रहती है कि इसको बड़े धूमधाम से हम मनाएं, और इस बार नवरात्रि में ही ये हमारा वाइल्ड लाइफ सप्ताह मनाया जा रहा है। मैं सभी उपस्थित लोगों को अवगत कराना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कई मंत्रिपरिषद में अभी निर्णय लिए गए हैं, जिससे कि वाइल्ड लाइफ और इको टूरिज्म को काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। सर्वप्रथम उन्होंने लखनऊ में नाइट सफारी के लिए हमें हरी झंडी दी है, और हम लोग नाइट सफारी का वहाँ निर्माण करेंगे। साथ ही साथ हम लोग को मुख्यमंत्री जी ने पहली बार पीलीभीत जो टाइगर रिजर्व है उसका फाउंडेशन कैबिनेट से अप्रूव किया है। रानीपुर बुंदेलखंड का पहला टाइगर रिजर्व है बुंदेलखंड में, जो कि कैबिनेट से अप्रूव हुआ है, और अतिशीघ्र माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इसका शिलान्यास किया जाएगा। और आने वाले दिनों में अमानगढ़ टाइगर रिजर्व, जो कॉर्बेट का बफर जोन माना जाता है, लेकिन वहाँ पर बड़ी अच्छे तादाद में टाइगर्स हैं, तो वो भी हमारा आने वाले दिनों में अप्रूव होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सबसे मील का पत्थर जो काम किया गया है वो इको टूरिज्म बोर्ड का गठन। इको टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं यूपी में, और इसमें हम अवगत कराना चाहेंगे कि 5 प्रस्ताव हमारे ऑलरेडी हम लोगों ने प्रेषित कर दिए हैं। एक सोगी बरवा का है सर, नवाबगंज का है, सुरहा ताल बलिया में है, और हमारा अमानगढ़ है, और स्वस्थपुर अमेठी में है, रायबरेली में है सर। ये जो प्रस्ताव दिए गए हैं वो हम लोग वन विभाग के अंदर के क्षेत्र में प्राणी उद्यान में 35 एकड़ का वेटलैंड है, काफ़ी बड़ा वेटलैंड है, और जाड़े में यहाँ बहुत चिड़ियाँ आती हैं। बर्ड वाचर्स के लिए ऐसी जगह कम मिलती है जहाँ आप एनिमल भी देखें और बर्ड्स भी देखें एक साथ। अब तक इस प्राणी उद्यान में 80 से अधिक छोटे बड़े वन्य जीव का जन्म हुआ है, और उनके नाम अलग अलग रखे गए हैं। प्राणी उद्यान के द्वारा किए जा रहे हैं बच्चों में जागरूकता के कार्यक्रम, विशेष अवसरों पर बच्चों को फ्री में प्राणी उद्यान को दिखलाना, बच्चों से उनके द्वारा
ड्राइंग बनवाना, पेंटिंग बनवाना, उनको इसकी जानकारी देना जो यहाँ के माध्यम से हमारे विभाग के द्वारा हो रही है, उसके लिए मैं यहाँ प्राणी उद्यान के डायरेक्टर और विभाग के सभी लोगों को बधाई दूंगा। यहाँ पर एक हिमालयन कालू भालू भी आने, काला भालू भी आया है, मादा भालू कानपुर से और नर भालू लखनऊ से, वो भी आपको जल्दी देखने को मिलेगा। अभी ये भालू क्वारंटीन पर रखा गया है, जल्दी ही आपको मिलेगा। हिरण की संख्या भी यहाँ पहले से काफ़ी बढ़ गई है, मगरमच्छ और कछुए भी यहाँ पर पैदा हो गए हैं, वो भी आप लोगों को बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे। सुंदर पक्षियों की संख्या इतनी बड़ी है कि दूर दूर से लोग अब की बार जाड़े में आएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और अपने परम आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उनको वन्य जीव से विशेष प्रेम है। चाहे वो कोई भी पेड़ पौधा हो या एनिमल हो, उन्हें बहुत प्रेम है। और एक बात बच्चों और बता दूं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने जन्मदिन पर सुबह उठते ही पहला काम किया, पौधा लगाया। मैं यहाँ सभी बच्चों से कहूँगा अपने जन्मदिन पे एक पौधा ज़रूर लगाना। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको नमन करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ, आपका वंदन करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। तेंदुए का उसको संरक्षित करके, रेस्क्यू करके उसको यहाँ लाया गया। आज वह लगभग 3 महीने का हो चुका है और मैंने स्वयं उसको अपने हाथ से दूध भी पिलाया वहाँ पे। और एक महीने का रहा होगा, आज वो काफी बड़ा हो गया है, वो अंदर ही था। यानी वन्य जीवों के प्रति हमारा यह भाव रामचरितमानस की उन पंक्तियों को प्रदर्शित करता है। मैंने 3 यहां पे तेंदुए के अलग अलग उम्र के उसको देखा है। एक जो 3 महीने की अब हुई है, मुश्किल से 6-7 दिन की थी वो जब उसको रेस्क्यू किया गया था। अगर रेस्क्यू नहीं किया गया होता तो उसको जंगली जानवर अन्य मार देते या लोग मार देते। जो 1 महीने का भी नहीं था उसको भी रेस्क्यू किया गया, वो आज बड़ा हो चुका है। और एक महाराजगंज में एक जाल में फंस गया था, उसका पूरा पंजा खराब हो गया था। वो 12 से 15 महीने का है, अच्छा हेल्दी हो गया है। तीनों को देख करके मैं आज इस बात को देख रहा था कि जो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है, हित अनहित पशु पक्षी जाने, मैं देख रहा था वहां पर। जहां रवि किशन जी गए तो उन पर वह झपट पड़ा तेंदुआ, लेकिन जैसे मैं उसके सामने गया वो एकदम शांति से बैठ गया। यानी इसका मतलब पहचान गया था मुझे और उसको मालूम था कि मैं उसे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। लेकिन वहां पर मैं देख रहा था कि वह औरों पे भड़क रहा था, लेकिन मैं भी उसके सामने था, मुझ पे भड़क नहीं रहा था। एक जंगली जानवर है, तेंदुआ है, 15 महीने का है, जंगल के अंदर विचरण करने वाला था, स्वच्छंद वातावरण में घूमने वाला था, एक जाल में फंस गया। वन विभाग ने उसको वहां से रेस्क्यू करके यहां लाया गया, उसकी जान बचाई गई, उसके पंजे का उपचार किया गया और उपचार करने के बाद आज वह फिर स्वस्थ जीवन यापन कर रहा है। इससे पहले आप याद करिए, आज से लगभग 5-6 महीने पहले मैं यहां आया था और उस समय मार्च के महीने में मैं आया था। उस समय आपने देखा होगा राइनो आया था यहां पे, राइनो नहीं आ पाया था और मैंने असम के माननीय मुख्यमंत्री जी से बातचीत की थी। तो 10 मार्च को उन्होंने वहां से प्रस्थान करवाया था और यहां पर 13-14 मार्च तक राइनो आ गए थे और उसके एक सप्ताह के बाद मैं स्वयं यहां आया था। मैं उनके बाड़े में गया था
और जब बाड़ी में गया था तो मैंने उसको जब पुकारा, जो वहां पर केयर टेकर था, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा क्या नाम है इनका, उसने नाम बताया। मैंने उनको बुलवाया, आया मेरे हाथ से केला खा करके फिर चला गया। देखिए उन्हें मालूम है कौन हमारा हितेशी है, कौन हमें नुकसान पहुंचा सकता है। उसके अंदर उस प्रकार का स्पंदन है जो उसे अपने हित और अनहित दोनों के बारे में जानकारी देता है। और आज विजयादशमी का पर्व है, पूरी रामायण की गाथा जो है ना, यह हम सबको प्रत्येक जीव और जंतु के बारे में, उसके संरक्षण के बारे में एक नई प्रेरणा भी देता है। हमारा व्यक्तिगत जीवन कैसा होना चाहिए, पारिवारिक जीवन कैसा होना चाहिए, सामाजिक जीवन और राष्ट्रीय जीवन कैसा होना चाहिए, प्रकृति के प्रति हमारा दायित्व क्या होना चाहिए, राजा का प्रजा के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, जीव और जंतुओं के प्रति हमारा व्यवहार कैसे होना चाहिए, पूरी रामायण में अगर आप देखेंगे अरण्य कांड ही उसमें एक आ जाता है। भारत की पूरी ज्ञान संपदा कहीं है तो उसी अरण्य